25 भैंस ले गए यहाँ से आप, तो मतलब विश्वास पात्र आदमी जो बोलता है वो दूध देती है। दूध देती है और कितना दूध जाए इनका? वही 8 किलो दूध देगी। मुर्रा में वो तो आप भी देखो, दूध तो 8 दिन बाद लगेगी, निकाल के दे दूंगा। भले टोकन कोई दे दे आपको 10,000 रूपए, और फिर 8 दिन बाद आके यहाँ 4 टाइम दूध निकाले। निकाल के दूंगा। निकाल के दोगे? की है 6 लीटर देगी, 5 लीटर की अपनी गारंटी। तो मोमिन भैया इसकी कीमत भी बता दो आप। फाइनल 70,000 देता। आते ही देखो आप शुक्ला खा रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये दो ही पाड़ी का निकाल के दे दूंगा। इसका 6.5-7 किलो इसका भी है, और इसका 7 लीटर दूध है। वो आगे देखने से पहले आप जोरदार लाइक करें, और कहां से आप वीडियो देखते हैं जरूर कमेंट्स में बताएं, और हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। तो जब भी हम पहुंचते हैं गौ माता के दर्शन करते हैं, इनके आशीर्वाद लेते हैं, पका के खिलाते हैं गाय भैंसों को हमेशा। और खली देखिए आप, हम देखो आप हमारी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो देख के आया। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री कृष्णा। दोस्तों डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज फिर हम आप लोगों की मांग पर मोमिन भाई के फार्म पर पहुंचे हैं, जहां से आप 15 जनवरी 2023 की लाइव वीडियो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। तो जहां मोमिन भाई के यहां शायद 1 या 2 गाड़ी जो भी पहुंची है, पूरी डिटेल लेते हैं हम मोमिन भाई से, और अंतर सिंह काका उनके दूसरे पार्टनर हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़बरदस्त लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यहाँ की जो भी भैंसे हैं उसकी डिटेल हमारी वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फिर बता दूं कि YouTube चैनल देखकर या किसी व्यापारियों पर विश्वास ना करें, अपने अनुभव से ही भैंस खरीदे। तो इनके फार्म की भैंस हम आपको पूरी तरह से दिखाते हैं, और उसके बाद भी आपको अगर पसंद आए तो यहाँ पहुँचे और भैंस देखें, पूरी जांच परख करके ही भैंस खरीदे आप। और देखिए करीब मेरे हिसाब से 2 गाड़ी माल पहुंचा है, और कस्टमर भी देखिए आप। तो मोमिन भाई से डिटेल लेते हैं, और बहुत बढ़िया फार्म है दोस्तों, बहुत दिनों से यहाँ भैंस आ रही है, ग्राहक खरीद के ले जा रहे हैं, और बहुत बढ़िया भैंस निकल रही है। देखिए आप जो कस्टमर भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पे, तो पूरी डिटेल लेंगे। एक बार भैंस देख ले आप, जो बढ़िया बढ़िया भैंस है, एक बड़े सिंह की, और मोमिन भाई भी साइड में खड़े हैं, अंतर सिंह काका से मिलेंगे। जी दादा कहाँ से पहुँचे आप? मैं रविंद बैरागी, गांव खरसोत खुर्द। अच्छा अच्छा, बैरागी जी आप गांव खरसोत खुर्द से हैं, पास में ही है क्या? पास में ऐसे 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर दूर। पहली बार आए फार्म पर? नहीं मैं तीसरी बार आया हूँ। तो थोड़ा सामने आइए साइड, आप तीसरी बार पहुँचे? तीसरी बार पहुँचा हूँ। पहले भैंस ले गए? नहीं पहले देख गए थे ये वाली भैंस, और वो वाली भैंस, ये वाली, ये वाली बताया ना भैया, ये वाली भैया जनी हुई है ना? ये रात के जनी है। अच्छा रात को ही जनी है। तो भैया पास के गांव से आए हैं बैरागी जी, और पहले 2 बार आया, तीसरी बार आए है ना? तो इनको ये भैंस पसंद आ रही है आपको? देखिए आप, ये भी भैंस हाथी के समान है, बड़ी और अच्छी है। भैया पलटा उसको। तो रिंग सिंह मुर्रा, हाइट ऊंची, और करीब तीसरे से चौथे बयान की ब्याई हुई, और देखिए आप अडर क्वालिटी अच्छी है, करीब 7 लीटर की कैपेसिटी है मेरे अनुमान से। तो मोविन भैया रात को भी आई, कौन से में भी आई है? ये तीसरा। तीसरा हाँ। दूध की क्या कैपेसिटी लगाओगे आप, क्या बताओगे? दैनी ने तो भैया इसका 10 लीटर बताया, अपन तो इनको 7-8 लीटर ही बता रहे हैं। अच्छा 7-8 लीटर, तो 7-8 लीटर की कैपेसिटी वाली भैंस देख रहे आप, और तीसरे में चौथे में? तीसरा जनी है। तीसरा भैंस वो तो जनी की चिपक गई थोड़ी। अच्छा
तो मोमिन भैया ग्राहक इसके लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं? ये भैया लगा रहे हैं 1,00,000 रुपए। ऐसा? तो आप कितने ले रहे हो? 1,10,000 का बोल दिया भाई। अच्छा, फाइनल कीमत है। अच्छी भैंस है आज की स्थिति में, मान के चले हैं 1,00,000 की कीमत। और मोमिन भाई देखते हैं कहाँ तक इसको फाइनल करते हैं। और अंतर सिंह काका कहाँ है? हाँ बढ़िया, अंतर सिंह काका यही था। अच्छा यही है। जयराम जी की साहब, जयराम जी साहब चौपाड़ी दी ऐसा। तो मोमिन भैया पहले ये बताओ, आज सोमवार है, कितनी गाड़ी पहुंची आपके यहाँ? ये है भैया अपना का ना 20 भैंस है आज, मतलब दो गाड़ी मान के चले हैं। और दो गाड़ी माल पहुंचा है अभी, बिकी भैंस एक दो? देखो आपके हाँ, दो का सौदा हो गया है समझ। कौन सी वाली? ये तो इसका ही ना, एक और इन्होंने ही ली है। अच्छा, इन्होंने ही ली? 30 में दिया। तो बैरागी जी जो खरसोद खुर्द से हैं, और उन्होंने दो भैंस खरीदी है इनके फार्म से। तो एक भैंस ये फाइनल बता रहे हैं कि सौदा हो चुका है करीब करीब, और दूसरे नंबर की भैंस हम देखने जा रहे हैं। तो मोमिन भाई खोल के दिखा रहे हैं, यह भैंस भी बड़ी हाइट में है, हेवी है और बढ़िया। भैया बस उधर लो, आप आगे से देख ले, आप हाइट में अच्छी भैंस है। और मान के चलें कि इसकी भी कैपेसिटी वही 6-7 लीटर है, और जो मोमिन भाई बता दे अब बताने में, उन्होंने तो 10 लीटर का बताया। हाँ ठीक है, तो हाइट की तो अपनी जवाबदारी है नरेंद्र भाई। हाँ ठीक मोमिन भैया, हमारा अनुमान भी और आपका अनुमान। इधर लाओ यार मोमिन भैया, एक तो पूरी करो पहले। अच्छा इसकी पाड़ी? अरे उधर छाओ यार मोमिन भाई, पाड़ी जो है ना। हाँ बच्चों से अलग हटके। अच्छा 15-20 दिन की बच्ची है देखो। हाँ बहुत लंबी, मारवाड़ की बच्ची देखो, दूध पिलाते है उधर। बहुत अच्छी इसकी पड़िया है नीचे, मान के चले कि 3 साल में। प्रिंसिपल इन्होंने पाड़ी देख के ली है। कौन है प्रिंसिपल? रवि बैरागी। अच्छा 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 अच्छा, सामने। हाँ हाँ, तो बैरागी जी दोनों भैंस करीब हो गई है? दोनों हो गई। हाँ अच्छा अच्छा। तो मोमिन भैया इसकी क्या मांग थी? इसका मैंने 1,40,000 बताया था, अब इन्होंने 1,30,000 की तो पड़ी हुई थी, एक एक अब हम दो ले रहे हैं तो देनी ही पड़ेगी। अब ये बहुत पुराना है, हमसे जुड़े हुए हैं तो। हाँ अच्छा अच्छा, तो पुराने जुड़े हुए तो गांठे में भी दे सकते हो? ठीक है, गांठा नहीं है, रकम पलटा कर लिया, भले ये भैंस वाला भी देखता हो तो वो भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, इसमें गांठा भी नहीं, मुनाफा भी नहीं। तो मोमिन भैया दोनों भैंस हो गई या फिर अभी बचा है कुछ? हो गई। तो बात फाइनल या? अच्छा, तो बैरागी जी ये कितने में हुई फाइनल? ये 1,30,000 में फाइनल कर रही, बड़ी मुश्किल से। हाँ तीन मतलब 2 दिन से सौदा चल रहा था और आज फाइनल हुआ। अच्छा वहाँ से डाल दिया था। अच्छा वीडियो वहाँ से डाला था? नहीं तो मैं सोच रहा भैंस आ जाए और 2 दिन से सौदा कर दे। वो वीडियो डाल दिया था नहीं इनको मैंने। अच्छा अच्छा, वीडियो डाल दिया था इन्होंने। तो बैरागी जी सब लोग बोलते हैं कि थोड़ी भैंस महंगी मिल रही है, तो क्या सच बात है? देखो ये तो विश्वास की बात है, हमको मोमिन भाई पे विश्वास है, बात खत्म हो गई। अच्छा अच्छा, तो क्वालिटी भी है भैंस में? क्वालिटी हमको इन पे भरोसा है, बात खत्म। अच्छा अच्छा, महंगी लग रही क्या तुम्हारा? तो दोस्तों यहाँ से खरीदने में एक ये फायदा है, महंगी या सस्ती हो मोमिन भाई पूरे विश्वास से देते हैं। यानी बताओ क्यों मैं महंगी भैंस दूं थाने? कहाँ से आए बाबूजी? कछालिया से आया हूं। कछालिया तहसील, सांवेर तहसील से। कितनी भैंस ले गए लो यहाँ को? 25 नेपालपुर यहाँ का 25 भैंस ले गए यहाँ से आप? तो मतलब विश्वास पात्र? विश्वास पात्र आदमी जो बोलता है वो दूध देती है। दूध देती है? और कितना दूध जाए इनका? दूध बताओ तुम्हारा कितनी केन है? 10-12 केन। कहाँ जाता है? इंदौर जाता है। बड़ा सेठ है। अच्छा, तो देखिए आप अंतर सिंह काका और मोमिन भाई के फार्म पर जो वास्तव में भैंस बिकती है ना, सब आप वीडियो में बार बार बोलते हैं कि हाट से महंगी है, लेकिन यहाँ एक क्वालिटी वाली भैंस मिलती है वास्तव में, और जवाबदारी के साथ मिलती है।
जो बाऊजी कछालिया सांवेर तहसील जिला इंदौर से पहुंचे हैं और 25 भैंस बोल रहे हैं यहाँ से ले गए हम। ये महंगी लग रही सेठ कह रहे हैं कि इनके में तो 2000 मुनाफा तो मैंने दिला दो ऐसा बोल रहे हैं। एक 30 क्यों 31 में बेच दी है बोल रहे 32 में सेठ कह रहे हैं। हाँ तो देख ले ग्राहक, जो भी ग्राहक लोग दोस्त लोग वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मोमिन भाई ने जो 130 में भैंस बेची है उसको यहीं वापस खरीदने वाले तैयार हो गए हैं। देखिए आप, देखो सेठ भी 2000 का नहीं है ना, हम भी 2000 नहीं, वो तो मैंने वादा ये भी है ना ऐसे। हां ये सेठ भी 2000 का नहीं है ना, हम भी 2000 चार मत राख जो दो ही था के चार की पुष्टि करेगी। बहुत बढ़िया भैंस है मोमिन भैया के यहाँ, वास्तव में देखने लायक है। महंगी दे रहा महंगी, एक बार नीचे से देखते हम तो दूध की कैपेसिटी वही 8 किलो दूध देगी। अच्छा बाबूजी, ये आपका अनुभव है? 8 किलो दूध देगी। 8 किलो तो बाबूजी जो करीब 25-30 आज आपके पास कितनी भैंस है? मेरे पास तो बहुत भैंस है। कितनी? 40 भैंस है। जिनके पास 40 भैंस है उनका अनुभव बता रहे हैं कि 8 किलो दूध की भैंस है ये, और वो खुद लेने के लिए तैयार है लेकिन भैंस बिक चुकी है। तो बढ़िया भैंस दिखाई, दोनों भैंस का सौदा हो गया है। तो मोमिन भैया अब तीसरी भैंस कोई ली या फिर फाइनल हुआ या आप दिखा रहे हो कौन सी? सौदा चल रहा है बहुत, वो काका तो कहा यार दर्द। किसका सौदा चल रहा है? तो चलते हम और कोई सी भैंस इनकी अगर सेल आउट हुई है तो वो देखते हैं या फिर लाइव सौदा चल रहा हो। अभी नहीं हुआ है इस वाली भैंस का। ये पाड़ी के 6 दांत है। हाँ अभी कहाँ से आया आप, क्या हो अच्छी है भैंस दुजात में है ना? ब्याई की? हाँ जनी हुई। अच्छा दो बच्चा ताजे ही। ताजा बच्चा कब की ब्याई मम्मी ने? 10-12 वर्ष की है। तो इसको कौन ले रहा है या फिर बेच दी क्या कर दे आप? नहीं अभी सौदा चल रहा है, वो काका जी है यार, वो ये खड़े कौन से काका जी? ये कौन सा काम गाँव बताओ? पपैया मैं चुरोड़ के पास महितपुर रोड के पास पपैया। क्या नाम है आपका? बहुत भंवर लाल जी, आपको पसंद आ रही है तो क्या कीमत लगा रहे हैं? ये कीमत कर रहे हैं सर, जमी नहीं बराबर, कीमत नहीं जम रही। अच्छा मैंने 10 बताया ना, 10 बताए बताए बोविन भैया दो ना उनको बताया है मैंने, ये तो अभी 1000 से आगे नहीं पड़ता ऐसा। ठीक है देख लो, आप बाहर से आते हैं सब आपके मेहमान है ना, घर पे आए मान सम्मान जरूरी है मोमिन भैया। वहाँ तक का इनको बता दिया वो आज ही खोल दिया ना, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे। अच्छा अच्छा तो मोमिन भैया देखे आपने बाबूजी ने इनकार नो लगाया है? आपकी उम्मीद कहाँ तक की है बताओ ना थोड़ा। मैं कर दे ये इसका वीडियो बना लो, अगर वो धनी भी मतलब फोन लगा सकता है इनको कि कितने की दी है भैंस। ये मेरी बात सुनो, ये चल रही हो वीडियो, वो धनी भी चाहे भैंस देख लो उसकी और बता देगा कि इनका घर में भी अच्छी है। अब तो ये लंबा डला लो, वो धनी भी बता सकता है, कोई दिक्कत नहीं मारे। यही है ना मोमिन भैया? देखिए आप रिंग सिंह बढ़िया है मुर्रा में, अच्छे सिंगोटी की भैंस है और दूसरे में भी आई हुई है। तो फाइनल मोमिन भैया बता रहे हैं और इनकी कीमत में थोड़ा अंतर जा रहा है। बढ़िया भैंस, एक बार फिर देखो। तो मोमिन भैया, हाँ भैया, तो या तो भैंस का सौदा करो या फिर दूसरी बताओ। ऐसा? हाँ चलाओ दूसरी बताओ।
दिखाओ और अच्छी भैंस दिखाओ आप, जो वास्तव में 7-8 लीटर में हो, या फिर 2-3 लीटर वाले दिखाओ 50-60 हजार की। नहीं, ये अच्छी दिखा दो। हाँ देखो भैया, ये भी रात के जनहीनर में। हाँ भैया, खाली कर दे इसको। अच्छा देखो भैया, पलटा लो भैया, अभी इधर से नहीं दिखेगी। 8 लीटर की। अच्छा, बहुत लगी हुई है तो जनी और खाली कर दी थोड़ी। अच्छा अच्छा, ये भी रात को ही जनी। हाँ, रात के। तो भैंस तो बढ़िया है, पीठ पुट्ठा और अडर क्वालिटी, ये भी करीब करीब 6 लीटर के आसपास। 7 लीटर। हाँ भैया, हाँ। 7 लीटर बता रहे आप, तो फिर बता दें आपको कि ये जहाँ फार्म है ये बड़नगर में है, जिला उज्जैन में पड़ता है, और उज्जैन से 60 किलोमीटर, देपालपुर पशु मंडी से 40 किलोमीटर, रतलाम से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं। तो मोविन भैया, ये भैंस कितना 7 लीटर दूध आप बता रहे हैं? धनी ने तो 8 बताया, अपन 7 बता रहे हैं। अच्छा, और क्या कीमत कर रहे हैं? 1.20 लूंगा इसके फाइनल। इसके भी 1.20? 8 लीटर बताया धनी ने। अच्छा, तो आप 7 लीटर का बोल रहे हैं, 1.20 मांग कर रहे हैं, तो अगर कोई ये पसंद करता है तो यहाँ 2 दिन रुक के इसका दूध निकाले? तो वो तो अभी देखो, दूध तो 8 दिन बाद लगेगी, निकाल के दे दूंगा। टोकन कोई दे दे आपको 10,000 रूपए, और फिर 8 दिन बाद आके यहाँ 4 टाइम दूध निकाले? निकाल के दूंगा। निकाल के दोगे? नहीं तो मारवाड़ भी पहुंचा दूंगा, उसने भी इतनी गारंटी। नहीं, वही बोल रहे हैं कि फिर विश्वास कैसे बंधेगा? तो क्यों तो किराने में लिखा, बड़े बड़े हार्ड छोड़ के आपके पास पहुंचेंगे तो कुछ तो विश्वास होना चाहिए। बड़ा सेठ यहाँ आया तो हार्ड छोड़ने आया, इनके तो पास में पड़ रहा है। ये भैंस कोई कर रहे पसंद क्या? नहीं कर रहे अभी, नहीं करी है ना। ठीक है, और मोविन भैया, और दूसरी जो आपके पास 10-12-15 भैंस है ना, 20 तो खुलवाओ ना आप, थोड़ी सी कम रेंज की दिखा दो आप, क्योंकि बड़ी बड़ी भैंस तो हमने बहुत देख ली है। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करें, आपका अनुभव भी जो भी हो कमेंट्स में बताएं, और एक बार फिर मकर संक्रांति की सभी वीडियो देखने वाले दोस्तों को शुभकामनाएं। और देखिए आप, एक भैंस जो करीब 5 किलो दूध है नरेन पे, थोड़ी सी ये करीब 4th-5th की लग रही है ना, 4-5 बेंत की ब्याई हुई है। और ये थोड़ी चिपक रही है। कब की ब्याई मोमिन भैया? ये हुआ 20 दिन की। 20 दिन की, वो बच्चा बन गया सामने। अच्छा, और आज की स्थिति में कितना दूध निकाल सकती है ये? अभी 4 किलो शाम के निकाल दो। 4 किलो शाम को, और कैपेसिटी 5 तक की है, 6 लीटर देगी, 5 लीटर की अपनी गारंटी। तो मोमिन भैया, इसकी कीमत भी बता दो आप। फाइनल 70,000 रुपए देता। 70? 5 लीटर दूध तो 6 दे देगी। हाँ। 5 की अपनी फुल जवाबदारी। तो अगर अभी कोई खरीदता इसको आया तो 70 से गुंजाइश करोगे थोड़ी बहुत? क्या गुंजाइश, कितनी बड़ी भैंस है। अच्छा देखो ना, तो स्टार्टिंग रेंज 70,000 रुपए है आज, जो कि 5-6 लीटर दूध बता रहे मोमिन भैया। बढ़िया भैंस दिखाई है। और ये वाली मोमिन भैया गाबन है क्या? ये गाबन है। हाँ, कब तक जाने की है ये? तो 8-10 दिन लेगी ना। 8-10 दिन गाड़ी से आती नहीं, चढ़ जाती थोड़ी। अच्छा। हाँ। इसमें 8-10 दिन की देर है। हाँ। और ये भी कल ही आई ये? हाँ, अच्छा आज ही आई मतलब। हाँ, हाँ। बस घुमा लो इधर भैया। हाँ, पीछे से देखते हैं, करीब लगता है 8 दिन की देर है। और ये भी तीसरे में करीब जाएगी। दूसरा, क्यों दूसरा? 6 दांत है, बताओ दांत क्या? और कीमत क्या लगा रहे हो मोहिन भैया? इसका 85,000 रुपए मांगने के। हाँ, 85। तो दोस्तों, मांगने में और देने में थोड़ा बहुत अंतर होता है, जो हम मंडियों में देखते हैं 20-25 हजार का अंतर होता है फाइनल होने में। तो यहाँ मान सम्मान मान के चले आप, 5-4 हजार रुपए मान सकते हैं हम। तो बढ़िया फार्म है, आप पहुंचे और खाने में ये लोग कहते हैं खाती नहीं, देखो सब खा जाए, सब खा जाती है, मतलब आते ही देखो आप शुक्ला खा रही है भैया। और ये दिखाओ ना भैया, ये वाली जो खा रही है, ये पाड़ी अच्छी है, हाइट में ऊंची है, और ताजी है। तो कब की ये ब्याई? अभी ताजी है, 8-10 दिन। 8-10 दिन की। दूध थोड़ा कम है क्या? अभी चिपक रही हो तो यार, दूध तो देंगे। 6 लीटर की फुल जवाबदारी। आज निकाल लिया क्या? निकाल लिया। अच्छा, दूध निकाल लिया है ना।
तो समय हो रहा है करीब 1 बजे के आसपास, तो दूध निकल चुका है इनका। और मोमिन भैया आज कितना दूध है इसका सुबह में? दूध 4 किलो अभी है तैयार। 4 किलो तैयार है, देनी है। हाँ हाँ। और इसकी मांग? इसके 85,000। 85,000। अच्छा अच्छा। और 6 राती है भी बड़ी। हाँ हाँ। तो 85,000 इसकी भी मांग है। और आगे चलते हैं तो इनके पास और कितनी भैंसे उपलब्ध हैं, जो इसमें एक बड़ी भैंस सेल आउट हो गई है, एक उस साइड सेल आउट हुई है। बच्चा सब बड़ी है ना, हल्की कम है। हल्की में तो एक दो देखी अभी है ना। एक देखो। ये भी देखो है। कौन सी? ये फर्स्ट वाली। ये सींग तो इसके हो जा रहे बनी में। हाँ। है ना। हाँ। बहुत अच्छी नस्ल है इसकी। जी भैया, 5 थन की दिख रही मेरे को। हाँ, 5 थनी है ना। हाँ, 5 थनी भैंस देख रहे हम, देखो आप वीडियो के माध्यम से। और ये भी करीब 3 के आसपास है। हाँ, 3 है ना भैया। हाँ। तो कब की ब्याई ये है? 21 दिन की। ये बड़ा बच्चा है ये वाला है ना, 20 दिन का बच्चा बता रहे हैं। दूध कितना अब तो तैयार हो गया होगा भैया? 6 किलो तैयार है। तैयार है, निकाल के दे दे, 2 टाइम रुके भले कोई। आज की स्थिति में दो टाइम है ना, निकाल के लाया है इसके वहाँ। मैं थोड़ा बहुत 6 लीटर दूध। तो भैया क्या मांग कर रहे हैं आप? 80,000 रुपया फाइनल मांगने के 85 मांगने के फाइनल 80,000। अच्छा। और दूध तो 6 से बाहर है, पर 6 की अपनी फुल जवाबदारी, और कोई कर निकाल के भी दे दो। अच्छा, तो 5 थन चलते हैं क्या? नहीं, मैं तो 2-4 हेड आ गए। अच्छा अच्छा। तो देखिए आप, 70,000 से आज मोमिन भाई के फार्म पर स्टार्टिंग रेंज है, जो 31 से और ऊपर वाली है क्या भैंस? मोमिन भैया क्यों? हाँ भैया। 31 से और ऊपर वाली भैंस है? नहीं, बस अब नहीं। बस वही आखिरी थी। तो 70 से 1,30,000 की कीमत वाली भैंस देख रहे हो फार्म पर, बहुत बढ़िया बढ़िया। ये दिखा दी ना, ये खोलो ना यार मोमिन भैया। एक और मुझे जो पसंद आई है वो भैंस में खुलवा रहा हूँ। हाइट अच्छी है देखिए आप। हाँ भैया, ले आओ भैया, ले आओ। ये भी जनी हुई ना? हाँ, ये जनी हुई। कब की है ये? नहीं बच्चा, ये भी 7-8 रोज का मान के चले। हाँ, 7। दूध इसका? दूध 7 लीटर अभी तैयार, निकाल के लाया। अच्छा। और इसका क्या मांग रख रहे हो? इसकी 1.10 मांगने के? नहीं, देने के। 1.15 मोल करो और 7 किलो दूध निकाल के दो। 1.15 मोल कर रहे हैं, 1.10 में देनी है फाइनल। और 7 किलो दूध निकाल के दे देंगे, कीमत कर ले। 4 धनिया रहने दो। हाँ। 2 ही पाड़ी का निकाल के दे दूंगा। इसका 6.5-7 किलो इसका भी है, और इसका 7 लीटर दूध है। तो दोस्तों, जो भी भैंस आपको जम रही है वो मोमिन भैया से आप कॉन्टेक्ट करें। और मोमिन भैया आपका नंबर दो। हाँ, मेरा नंबर लिखो, 99। हाँ। 26। हाँ। 37। जी। 44-85। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। और हाँ, और व्हाट्सएप पे अगर कुछ वीडियो मंगवानी हो, भेजनी हो, तो कहाँ है फकरू? तो उनके नंबर दे रहा हूँ मैं, उस पर आप जानकारी लें। तो फकरू भाई आपके नंबर दो एक बार। मेरे नंबर है 91। हाँ। 31। 43। 58। 59 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। व्हाट्सएप नंबर है, अगर कुछ वीडियो मंगवानी हो, इनका व्हाट्सएप ग्रुप हो, जो ये मारवाड़ से भैंस लेकर उस ग्रुप में डालते हैं, कीमत जिसको जमती है। तो जुड़ने के लिए इनको कॉल करें आप, और इनके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े। और इनके एक और पार्टनर अंतर सिंह काका जो सामने खड़े हैं, तो काका जी आपका नंबर दो। 57। हाँ। 53। जी। 84। 43। 82। जी, तो आप इनसे भी जुड़ सकते हैं, ये नंबर है इनका। तो बुधवार सोमवार को गाड़ी उतरती है सुबह इनकी, और शनिवार को शायद मारवाड़ से फाइनल हो जाती है। तो आप इनसे कांटेक्ट करके फकरू भाई से व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ जाए आप। तो ये था आज का दोस्तों अपडेट।
करीब करीब 20 भैंस खड़ी है, जिसमें से हमने 8-10 भैंस की जानकारी ले ली है। तो और भी कुछ वीडियो के माध्यम से थोड़ी देर और दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले आप जोरदार लाइक करें, और कहां से आप वीडियो देखते हैं जरूर कमेंट्स में बताएं, और हमारे चैनल को जो पहली बार देख रहे हैं जरूर सब्सक्राइब करें। और फार्म पर पहुंचे आप बड़नगर जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, और हमारा चैनल है डेयरी यात्रा नरेंद्र यूट्यूब चैनल, जो हम आप लोगों को प्रत्येक दिन अलग अलग जगह किसान भाइयों को पहुंचकर जानकारी देते हैं, जिससे आप लोगों को फायदा हो, मार्केट वैल्यू पता चले। और फिर बताऊं मैं कि वीडियो के माध्यम से पहुंचे तो फाइनल ना समझे आप, और किसी पे भी विश्वास ना करें। हम सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं वहां तक पहुंचने के लिए। तो आप जरूर पहुंच के अनुभवी व्यक्ति को साथ में ले जाएं, और उसके बाद ही आप भैंस पसंद करें। दो टाइम रुके वहां पे, मिल्किंग करें, और एक दिन का नुकसान होगा आपका, लेकिन दो टाइम रुके। यहां व्यवस्था है रुकने की, और पहुंचने के लिए ट्रेन व्यवस्था है ऑल इंडिया से। पास में रतलाम जंक्शन है, इंदौर जंक्शन, उज्जैन जंक्शन, सभी जो पास में ही है। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो, और हमसे भी जुड़ने के लिए आप 9174878422 ये मेरा नंबर है, बात करें रात में आप बात कर सकते हैं 9 के बाद में। तो ये था मोमिन भाई अंतर सिंह काका के डेयरी फार्म का अपडेट। तो दोस्तों, मोमिन भाई के फार्म पर जब भी आता हूँ, गौ माता के दर्शन करता हूँ। इनके पास देसी गौ माता है, जो कि बहुत सपूतपन पे है, देखिए आप। तो जय गौ माता, जय गोपाल, और अच्छे डेयरी फार्म सबके सक्सेस करें आप। जय गौ माता। तो मुझे बहुत पसंद है गौ माता। तो जब भी हम पहुंचते हैं, गौ माता के दर्शन करते हैं, इनके आशीर्वाद लेते हैं, और यही बोलते हैं कि जो भी किसान भाई यहाँ पहुंचे या जो भी हो, सबका आप अच्छा भला करें, लाभ दे डेयरी फार्म पर, अच्छी उन्नति और लक्ष्मी प्रदान करें। नहीं तो और भी कोई दलाल दी गई है, सही है। हाँ भैया, आप कहाँ से आए? बीबी खेड़ी से आए। और ये मोमिन भाई का जो फार्म का बाजरा पक रहा है, जो बाजरा पका के खिलाते हैं गाय भैंसों को हमेशा, और खली देखिए आप। और ट्रेन भी लाइव स्थिति बता देता हूँ, पास से गुजरती है, पहुंचने वाली है शायद ट्रेन। तो ये स्टेशन पास में है, 3 किलोमीटर की दूरी पे। अभी ठंडे नहीं मारा नरेंद्र यार। कौन सी, कहाँ से आए, कहाँ से आप? उज्जैन से, आगे से आए। कौन सा गांव? शंकरपुर जागीर। शंकरपुर जागीर, आप भी इनके साथ में आए? भैंस लेने आए। भैंस लेने आए। कौन सी जमरी आपको? बस ये 5 हासल वाली, वो आप बता रहे थे वो। तो क्या मांग रहे हैं इसमें? क्या यार, वो तो बता ही नहीं। मैं क्यों आप ही घर वालों में ले जा सकते हैं? दूध निकाल के दूंगा, भले एक काम नहीं निकालना, दूध तो घर ही निकालेंगे। 6 किलो दूध निकाल के, अरे घर निकाल लेंगे, हमारे तगारी निकाल लेंगे। ज्यादा दूध है, मैं कम बता रहा हूं। तगारी दूध निकालेगा, तगारी भी। पर मैं तो मोमिन भैया क्या 80 मांग रहे हैं उसके? नहीं, वो 85 बता रहे हैं। अच्छा, मांग रहे हैं बताए थे 80 आपने, मैंने सुना। हाँ नहीं, फाइनल 80 बताया था मेरे को बीन ने।
तो ये क्या बोल रहे हैं? क्यों ये क्या बोल रहे हैं? बोले ही नहीं तो बोलो नहीं आप। आप तो 70 नो खेतो अपन 70 देवन तैयार है महीना। आप बोलियो तो ये 70,000 की तो बिल्कुल अपन देवन तैयार। मैंने कहां बोला 70,000 का? 70,000 70,000 की तो वो खड़ी वो बताई थी। वो बता दो यार, जा वो ले जा 70 और 5 लीटर की मेरी गारंटी, जा ले जा। नहीं दे तो बाद में ले आ, जो बाड़ू दे दूं अब। थोड़ा बहुत करके दो यार, ये दीदी आए साथ में। वो आए मारी बात सुनो, कोई मने भी वहाँ सस्ती थोड़ी मिल रही है, बहुत रुपया लग रहा है। भले थोड़ा बहुत तो रखो तो। अच्छा दो हाई दो डायरेक्ट दो दो। अरे यार मारी बात सुनो बे, वहाँ भी कोई कम में नहीं मिले, बहुत रुपया लगे वहाँ भी, 6,500 रुपया खर्चा आता है। एक नंबर है उससे, बहुत बनी नस्ल की भैंस है, वो जाती अलग है जालोरी। चल रही हो भले गर्दनी भी देख ले, देखे वो सब देखेगा, सब देखे भले, कोई दिक्कत नहीं मारा है, तू देख ले भले। वो भी थाना फोन लगा सकता है कि कितना की भेज दी, कितना में दी थाने, क्यों नारायण भैया सर पूरा वीडियो चल रहे हो तो मतलब ऑल इंडिया देख सकता है। भले वो फोन लगाना थाने के भी सकता था, नंबर बोल दो डायरेक्ट, तो वो तो ये भी बता रहे था नंबर बोल दो, था नंबर में चलेगा नहीं तो बता भी सकता है कि कितना की तो सही। में एक रुपया दे दो, ये पैसा पूरा मत दो, पहले सौदो को डालो। फूटी क्या होता सौदो? एक रुपया देवा, एक रुपया हेज कौन मारकन? अरे 100 को दे दो, 50 को दे दो, कई भी एक रुपया, एक रुपया तो गिन लो, ये पड़े था को रुपयो। हाँ तो बस तो फिर गिनो। मोमिन भैया सुनो सुनो, ये बाहर से आए वो तो ठीक है, लेकिन क्या गुंजाइश कितनी क्या है? नहीं ये बताओ, नहीं 70 और 80 में बहुत दूर है। अरे देखो एक बात बताओ नरेन भैया, हाँ मेरी बात सुनो, हाँ 76-77 की तो मेरे घर में पड़ रही है, भले वो भैंस वाला भी देख सकता है, उसने दिया मेरा 6,000 खर्चा लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। 6,000 लगा, नंबर बोल दो, बिना नंबर आ जाएगा था फोन। अरे कोई नहीं, अरे बोल दो था नंबर, वो भले बता सकता है कितने की भेज दी है। तो दोस्तों मारवाड़ से जो भैंस बेचते हैं, अगर उनकी भैंस ये है तो आप जरूर बताएं कि ये मोमिन भाई सही कीमत लगा रहे हैं उसकी, 80,000 रुपए मांग कर रहे हैं, तो क्या मारवाड़ से 80 में मिली क्या? ये जरूर आप कमेंट करके लोगों को बताएं, ये और 6,000 ये खर्चा बता रहे हैं, तो कितने में बता रहे हैं वहाँ से चली आप? 71,000 की खरीद है मैं, 71 की, हाँ और हाँ तो 77 में यहाँ पड़ी है ना। भले धनी भी भले इनका नंबर बोल दो तुम तो। हाँ चलो वो तो ठीक है, YouTube पे कमेंट करके भी बता सकते हैं कोई भी है ना, ठीक है भैया। कई नाम है अंदर सिंह का? कई को काली 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 देख वही देख वही भैया देख, ए जाओ तो वही आपका साथ आई के ना बैठने को बोलो, चलो बैठो यहाँ भैया, बैठ गया बैठ गया बैठ गई है ना, काली नाम है? हाँ काली, क्यों काली? चलाइए तम देखो आप हमारी वीडियो, हाँ, अच्छी लगे वीडियो, अच्छा। वीडियो देख के आया, हाँ। आज हमने ने हम एक टाइम भी दरअसल बोले तो लोग तो इन्होंने किए फेरे के यार, वीडियो देखी नहीं जाएगी ना, मैं सब वीडियो देखी नहीं रहा, सब आ जाएगा ये सब आ जाएगा। यार
तो दोस्तों एक बार फिर सभी को जय श्री राम। और राम जी, आपको पता है कि हमारे 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो उसके उपलक्ष्य में ज़्यादा से ज़्यादा जय श्री राम सभी दूर गुंजना चाहिए। तो ज़रूर कमेंट्स में लिखिए आप जय श्री राम, और अच्छी तैयारी करें, एक बहुत बड़ी दीपावली मनाएं आप 22 जनवरी को। तो एक बार फिर जय श्री राम सभी दोस्तों को, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी राय कमेंट्स करें, कहां से देख रहे हैं। सभी दोस्त को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं, और रात को 9:30 बजे बाद जिसको भी कॉल करना है, बात करनी है, 9174878422 ये मेरा नंबर है। और जो गलत है उसको आप गलत बताएं, जो सही है उसको सही बताएं। मैं हूं आपका किसान दोस्त नरेंद्र प्रजापत, आपका साथ ही मेरी शक्ति है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।